मैं जम्मू से आई हूँ। मैंने यहाँ होटल बुक किया था सारागढ़ी नामक से। प्रॉब्लम ये थी कि हमने वेबसाइट के थ्रू नंबर फाइंड आउट किया एंड द वेबसाइट वाज स्कैम। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने जब कॉल किया उनको तो उन्होंने बड़े ही प्रोसीजर के साथ हमें बताया कि इतने बेड्स हैं, ये प्राइस है, ये होगा, आपको पेमेंट करनी होगी। तो मैंने उस दिन, मंडे की बात है ये, इसी वीक मैंने इनको बोला कि ओके आप मेरा कंफर्म करो, बट उन्होंने बोला बुकिंग आपकी कंफर्म परमानेंट तब होगी जब आप पेमेंट करोगे। तो मैंने इनको बोला कि मुझे टाइम चाहिए, मैं रात को पेमेंट नहीं करूँगी। तो मैंने अगले दिन इनको जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैम आप पेमेंट कर दो वरना तो बुकिंग का प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है आप बताओ कितनी करनी है। तो उन्होंने बोला हम टेक्स्ट करते हैं। तो उन्होंने टेक्स्ट में लिखा 1100 प्लस 60। तो मैंने इनको डायरेक्ट 1160 पे कर दिया। इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मैम ऐसे नहीं करना था, हमने बोला था अलग अलग। मैंने उनसे बहस की, मैंने कहा आपने कोई मेंशन नहीं किया मैसेज में, आपने मुझे बताया नहीं, तो मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी, आप उसी को कंसिडर करो। तो इन्होंने बोला नो मैम, हमें वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपको रिफंड हो जाएगा, आप दोबारा करो। मैंने इनको उस दिन पेमेंट नहीं की। देन ऑन वेडनेसडे फिर से मैंने शाम को इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला मैम पेमेंट तो करनी पड़ेगी, हमने अपनी हायर से बात की, वो कह रहे हैं नहीं आपको करनी पड़ेगी, आपको रिफंड हो जाएगा। मैंने कहा अगर सपोज मुझे कैंसिल करनी है बुकिंग तो मेरा रिफंड कर दो आप, मेरे को नहीं करनी। तो कहते हैं नहीं मैम वो नहीं हो सकता, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी वरना आपका रिफंड भी नहीं होगा। तो मैंने इनको फिर से पेमेंट की 1100 अलग 60 अलग। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब हम रिसिप्ट जनरेट करें, 8:30 की बात है रात के, तो इन्होंने बोला रिसिप्ट जनरेट करें और फिर वो हम आपको देंगे व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मुझसे नाम वाम पूछा एंड ऑल दैट। तो उसके बाद रिसिप्ट आई 9:30 और उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं, रिफंड की कोई बात नहीं हुई। तो मैंने इनको नेक्स्ट डे शाम को कॉल किया क्योंकि सुबह इनका कॉल नहीं लगता है, शाम को 5:30 के बाद ही कॉल लगता है। तो इन्होंने बोला कि मैम इस टाइम पे हम बड़े बिजी होते हैं, आप समझते नहीं हो। मैंने कहा मुझे मेरा रिफंड दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। तो इन्होंने बोला कि मैम नहीं नहीं आपको रिफंड देने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यहाँ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, आपने जीपे किया था। मैंने कहा ओके, देन फिर मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो कहते कि आप ऑफलाइन जब आओगे आप कैश काउंटर से ले लेना। तो जब मैं कैश काउंटर पे आई तो उन्होंने बोला इट इज़ फेक, ये स्कैम हुआ है आपके साथ। एंड देन उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी है कि इन्होंने पूरी की पूरी एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई हुई है एंड नॉट एवरीवन नोज अबाउट इट। वहाँ फ़ोन नंबर है जो ये उठाते हैं, मेरे पास इनकी 3 ट्रांजेक्शन आईडीज हैं जिनमें 3 डिफरेंट लाइक एक इनका अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल्स है किसके नाम पे था, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, मेरे पास सब है। बट द थिंग इज दैट इसका करूँ क्या मैं, क्वेश्चन ये आता है कि करें क्या, कोई हायर अथॉरिटीज़ को देगी अगर मैं जाके लाइक सपोज किसी अपने बैंक से पूछूं कि मेरी ट्रांजेक्शन किसके नाम पे हुए, वो नहीं बताएंगे। इट इज़ क्लियर कट, उनकी पॉलिसी है, वो नहीं बताएंगे मुझे कि ये ट्रांजेक्शन आईडी किसके नाम पे हुई है। तो फिर बात आती है कि एज अ सिटीजन व्हाट शुड आई डू, आपने कंप्लेंट हाँ के पता चला ना। देन आई टॉक टू द मैनेजर ऑफ दिस सारागढ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला दैट ये यूजुअली होता है, दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ अकरिंग, लोगों का इससे भी ज़्यादा स्कैम हुआ है। मेरे तो 2200 का हुआ है बट लोगों का 30-60,000 का हुआ है। द क्वेश्चन कम्स दैट 2 हफ्ते से अगर ये चल रहा है तो मेरे साथ होने से प्रिवेंट हो सकता था अगर एक्शन लिए जाते, बट एक्शन लिए नहीं जा रहे। तो क्वेश्चन कम्स कि हो क्या रहा है यहाँ, एंड यहाँ टूरिज्म सबसे ज़्यादा इनकम कौन जनरेट कर रहा है इस एरिया में, टूरिज्म। अगर टूरिस्ट ही हैप्पी नहीं है, अगर टूरिस्ट को ही आप इस तरह से स्कैम करोगे, आप एक्शंस नहीं लोगे इलीगल, तो फिर इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि देर शुड बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल जिसके बेसिस पे हर एक बंदे को पता चले कि दिस इज़ द एग्जैक्ट वेबसाइट। नॉट एवरीवन नोज ना, गूगल पे तो सारी 10 वेबसाइट जाती है। आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हमें दिखेगा जिससे हमें पता चले कि ये वेबसाइट है, ये नंबर है, यहाँ बात करनी है। हाँ, उनका पूरा जैसे इनका प्रोटोकॉल है सेम प्रोटोकॉल उनका है, बस ये है कि दे आर चार्जिंग 999 बट दे आर चार्जिंग 1160 एज अ बेसिक एक बेड वाला जो रूम है। सरकार
actions, because as a normal Indian citizen I can't do anything, because बैंक वाले मेरी हेल्प नहीं करेंगे कि किसके नाम पे गया है, मैं क्या करूँ, कंज्यूमर कोर्ट जाऊँ, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें से कितनी आईडीज चेंज हो जाएंगी, उसके अकाउंट चेंज कर देंगे, मैं अगर फ्रीज भी करा दूँ अकाउंट, उसके बाद मनी तो रिटर्न नहीं हो रही है, मेरा तो कम है, लोगों का जिनका 30-60 हुआ है उनका क्या? द क्वेश्चन कम्स, क्या हो रहा है यहाँ, क्या आप लोगों ने एक्शन नहीं लिए? मुझे यहाँ ये पता चला कि ऑलरेडी बोला गया है पुलिस वालों को, कंप्लेंट फाइल हुई है, एग्जैक्ट मेरी नहीं हुई है बट जो पहले हुई है, बट बात आती है फिर मेरे साथ क्यों हुआ ये, अगर 2 वीक्स पहले ही फाइल कंप्लेन हो गई थी इसके बारे में, तो फिर क्वेश्चन कम्स कि कर क्या रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए, लाइक एटलीस्ट कुछ तो, बट मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा. सो दैट्स व्हाट आपने अभी इनके मैनेजर से बात की है. अभी मैंने अभी जस्ट अभी मैंने साइबर क्राइम गवर्नमेंट इनकी जो वेबसाइट है उसमें कंप्लेन फाइल कर रही हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट उनका अकाउंट, क्योंकि मेरे पास अकाउंट है, मैं ट्राई करूँगी कि उनका सीज तो हो अकाउंट. तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एट माई लेवल. तो नाउ कम्स की गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने लेवल पर. मेरा नाम करण आमे सर है, मैं नासिक से आया हूँ. मैं आज ही आया हूँ एयरपोर्ट से. मैं एयरपोर्ट में जैसे मैं उतरा, मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन बुकिंग कर देता हूँ. तो मैंने ये होटल का चेक किया, ये होटल ज़्यादा अच्छा लगा. तो वेबसाइट में जैसे ही मैं गया, वेबसाइट में मुझे एक पेज आया ओपन हुआ, ये नंबर पर जाके बोला कि मैसेज करो. मैं वापस जैसे मैसेज करने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जी आपका ये बुक रूम में बुक होने वाला है, एसी रूम चाहिए कि नॉर्मल रूम चाहिए. तो मैं बोला एसी रूम चाहिए तो कितना होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1800 एसी रूम हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, मेरे को 3 नाइट्स के लिए चाहिए क्योंकि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ. तो मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आया तो मुझे बोला कि 50-60 होंगे समथिंग. तो मैं बोला ठीक है मैं पे कर देता हूँ. तो मैंने वहाँ पर जैसे पेमेंट किया ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर जी आपको ऐसे पेमेंट नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे पूछना चाहिए था कि आपको एक काम करो, आपको फिर से आप मुझे 5500 रुपीज़ भेजो एंड देन आफ्टर 80 रुपीज़ अलग से भेजो. मैं बोला ये क्यों मैं भेजूँ, पहले मैं 1500 पहले भेज चुका हूँ मैं. बोला सर ऐसा नहीं होता ना, तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी. मैं बोला कि सर ऐसा नहीं होता है कि मैंने बहुत सारी बुकिंग की हुई है, ये तो आप मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को फिशी लग रहा है. तो मुझे बोला कि सर यहाँ पे ये ऐसा ही होता है, आपको पहले वापस से करनी पड़ेगी. मैं बोला ठीक है चलो फॉर गुड सेक मैं वापस कर देता हूँ, कि मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुजा के टेम्पल के यहाँ पे आया हूँ तो मैं कर देता हूँ. तो मैंने 1500 फिर से भेजा उसको, मैंने फिर 80 रुपीज़ फिर से भेजा. तो उन्होंने मुझे एक बुकिंग का एक मुझे फ़ोटो भेजा उन्होंने, कि बोला आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप वहाँ पर जाके सिर्फ कर दीजिए. फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे आया, मैं आगे यहाँ पे पूछा, मैंने उनको एक फ़ोटो दिखाया, उन्होंने बोला कि ये हमारी बुकिंग नहीं है. फिर मेरे को शौक लगा पर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं नासिक से आया हूँ सर, मैं यहाँ पे रहता तो हूँ नहीं, मैं नासिक से ऑल द वे फ्रॉम वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं एयरपोर्ट से उतर के यहाँ पे मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ. तो मुझे वही फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये सब होता नहीं है, आपको वहाँ से अंदर जाके बात करनी पड़ेगी. तो मैं अंदर जाके बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. तो मैं बोल ये सोच रहा हूँ कि अगर इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकल क्या रहा है, आपको सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना चाहिए. कितने सारे स्कैम तो कब से चलते आ रहे हैं, मेरा आज समझो 10,000 मेरा आ गया, तो मैंने 2 बार पेमेंट किया, मेरा 10,000 मेरा गया, किसी का 2500 गया, किसी का 50,000 गया. तो इतना एवरी पेनी काउंट्स बोलते हैं. ये कितनी तारीख की बात है? ये मैंने आज पेमेंट किया, जो ऑनलाइन पेमेंट किया मैंने आज पेमेंट किया है एयरपोर्ट पर 2 बजे एयरपोर्ट पर मैंने पेमेंट करके मैं यहाँ पर आया हूँ. तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये तो बुकिंग फेक है, स्कैम है पूरा. जो आपने जो ऑनलाइन पोर्टल जब खोला आपने, तो उसमें सारागढ़ी होटल लिख के आ रहा था प्रॉपर, मैं आपको दिखा सकता हूँ. जी जी, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो अगर से आप डालोगे सारागढ़ी तो ये पूरा ये पेज ओपन होता है. जी, ये पूरा पेज उनका ही ओपन होता है, पूरा बिल्डिंग का फोटो आता है, बुकिंग बिकिंग डिटेल सब आती है, कौन सा रूम आपको बुक करना है सब आना चाहिए. और यही होटल है, और ये होटल का आपकी बात हुई फ़ोन से उनके साथ? मैंने उनका फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला कि यही होटल है, और उनका उनका पूरा वेबसाइट है. तो मतलब मुझे अभी जब नेक्स्ट टाइम आपने कॉल लगाया, अभी कॉल जैसे मैंने उनका फ़ोन किया, अभी जब फ़ोन किया कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो उन्होंने फ़ोन मेरा तुरंत कट कर दिया और व्हाट्सएप पे मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया.
मैंने उनको पेटीएम करके फ़ोनपे करके ऑलरेडी पैसे भेज दिए। फ्रॉड हो चुका है मेरा, 10,000 का मेरा फ्रॉड हो चुका है। तो अभी आपकी कॉल नहीं लग रही है? अभी मेरा कॉल नहीं लग रहा है, मेरा कॉल सीधा ब्लॉक हो चुका है। कॉल हो गई उठाएंगे, व्हाट्सएप तो सीधा ब्लॉक हो गया और नॉर्मल कॉल से सीधा वो उठाएंगे। तो अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन कुछ तो कीजिए, कि अगर इतने फ्रॉड हो रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी ही है। आप बेसिकली नासिक से आप आए हैं, वैसे कहाँ से रहते हैं आप? मैं नासिक में रहता हूँ पर मैं आया हूँ अमेरिका से। अमेरिका से आए आप? अच्छा, अमेरिका से जॉब करते हैं? मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। मैं नासिक से आया हूँ जी। मेरा लड़का अमेरिका से आया था, इसको यहाँ अमृतसर दिखाने को आया मैं जी। तो ऑनलाइन हमने एयरपोर्ट पे ऑनलाइन किया तो फ्रॉड दिखाई, उसमें सारा गाड़ी का ऐसा दिखाई दिया ऑनलाइन। तो उसमें हमने किया तो उसमें दो बार किया, एक बार बोला नहीं हुआ फिर से पैसा भेजो, एक बार पैसे भेज के बोला नहीं आया फिर से पैसा भेजो, फिर पैसा भेजा, दो बार पैसे भेजे तो समथिंग, फिर वापस बोला यहाँ पे आ जाओ सारा गाड़ी के यहाँ पे आ जाओ आप। हम सारा गाड़ी के यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोला सारा गाड़ी पे आपका ऑनलाइन हुआ ही नहीं है। तो हमारे को लगा अभी फ्रॉड हो गया हमारे से। तो सारा गाड़ी के सर ने वीर जी ने बोला हमारे को तो आप ऐसा कंप्लेंट करो, मुझे कंप्लेंट क्या हुआ कंप्लेंट करके देखो। तो हमने सारे सुबह इन्होंने लिख के लिया कुछ, तो उससे देखेंगे अभी आगे क्या होगा। जैसे आप ऑनलाइन आपने बुकिंग की है, हाँ, तो अगर आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो ऐसा ऑनलाइन है तो ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है वो देखो, चेक करो आप कहाँ से, दिक्कत नहीं आना मुझे। सारा गाड़ी जो संस्था है वीर जी की संस्था है, उनका नाम खराब हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट की बोला जा रहा है अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन 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 करो, मानी ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है वो तो देखो ना, तपास करो ना आप क्या है। वो बोलते जितना हो सके उतना चेक करो आप। दास रणजीत सिंह भोमा, सचखंड श्री हरिमंदर साहब सारागढ़ी निवास, बतौर सुपरवाइज की ड्यूटी निभा रहे हैं। सारागढ़ी निवास विखे जड़ी ऑनलाइन बुकिंग होंगी है संगत वास्ते, सारागढ़ी एस जी पी सी के नाते जी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है। तो ये ना तो सारागढ़ी होटल के ना तो जी फेक आई डी बना के पिछले दिनों तो संगत के नाल जी बहुत व्डे पद्धर से फराड किया जा रहा है। साढ़े को पिछले एक महीने तो बहुत व्डे पद्धर से शिकायत आई कि 80,000 के नाल जी फराड होया। तो वह सारागढ़ी की ना तो जी उन्हें बुकिंग दी एक जी सा ही 9 मंजिली इमारत की जी अपनी सारागढ़ी होटल के जी जो वैबसाइट बनाई आ उस तस्वीर भी ला रहा, सचखंड श्री हरिमंदर साहब की महाराज की भी तस्वीर ला रहा, पर संबंध में वख वख शिकायत साड़िया संगत आई सन। तो साढ़े सत्कारयोग मैनेजर सरदार भगवंत सिंह जी श्री दरबार साहब वालों, सरदार गुरप्रीत सिंह जी मैनेजर सरावां वालों, पुलिस कमिश्नर अमृतसर न 3 हफ्ते के करीब जी ये शिकायत जी दिती हुई है। अजे तक ये दित्तियां हुई शिकायतों का सानू कोई भी जी हल नहीं निकलिया। तो संगतां ना दिनों दिन जी होर जे फराड होंदे जा रहे हैं। अज भी 3 जे साढ़े को संगतां दे जे नुमाइंदे आए, एक अमेरिका तो आया, एक जम्मू तो बेटी आई आ, इस तरह ही एक अपना हरियाणे तो आए हैं। उन्हां दे नाल 10,000 की किसी ना 2100 की किसी ना 3100 रुपये की जी ये ऑनलाइन जड़ा फराड सारागढ़ी ना
ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ SGPC ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਬਰ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਂਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਚੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ SGPC ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ DP ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੰਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, DGP ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।